जागरण संवाददाता द्वारा अंबाला सारा कंपनी के खिलाफ लोगों ने सोशल साइट पर भी मोर्चा खोल लिया है। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी सहारा पीड़ित निवेशकों के लिए आज की एक लेटेस्ट न्यूज़ जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वह अंबाला संवाददाता द्वारा है। पूरी खबर सुनाने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल पर बने रहें ताकि आपको पता चल सके कि पूरी न्यूज़ क्या है। पूरी न्यूज़ जागरण संवाददाता अंबाला द्वारा सारा कंपनी के खिलाफ लोगों ने सोशल साइट पर भी मोर्चा खोल दिया है। फेसबुक पर बनाए गए जमाकर्ताओं के ग्रुप ने कंपनी के खिलाफ आवाज़ उठा दी है। इस ग्रुप के जरिए सभी जमाकर्ताओं को जोड़ा जा रहा है ताकि एकजुट होकर आंदोलन कर सकें। अंबाला के करीब 250 परिवार ने सहारा फाइनेंस कंपनी में करीब 25 करोड़ रकम जमा कराई। लोगों का पैसा लेने के लिए कबाड़ी बाज़ार चौक पर सेक्टर ऑफिस में पैसा लेने के लिए भी रोज़ाना पहुंच रहे हैं, लेकिन लोगों को उनकी रकम नहीं मिल पा रही है। ऐसे में जमाकर्ताओं का गुस्सा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इधर कंपनी के अधिकारी भी सामने आए, उन्होंने कहा कि लोगों की पाई पाई लौटाई जाएगी। जैसे ही पैसा आएगा आ रहा है वैसे ही लोगों को दिया जा रहा है। हर महीने करीब 10 लाख रुपये लोगों के दिए जा रहे हैं। धीरे धीरे सभी का पैसा दे दिया जाएगा। आगे खबर है कि जमाकर्ताओं के डबल और तीन गुना रकम देने का किया गया दावा। सारा का मुख्यालय लखनऊ में इस कंपनी की आड़ में सारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सराहनीय यूनिवर्सल मल्टीपल सोसाइटी और तीसरा सहारा इंडिया क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड कंपनी के नाम से, जिसका दूसरा ऑफिस पानीपत में है। यही वही सेक्टर ऑफिस अंबाला कबाड़ी बाज़ार चौक में है। जमाकर्ताओं ने बताया कि कंपनी ने विभिन्न योजनाओं में अब उनका पैसा लिया। 3 साल, 5 साल, 6 साल, 15 साल का समय के लिए पॉलिसी कराई। इसमें लोगों का जमा की गई रकम को दुगना तिगुना करने का दावा किया गया। अधिक से अधिक समय में जमा की गई रकम का कई गुना पैसा मिलेगा। जमाकर्ताओं ने पत्नी और खुद बच्चों के नाम पैसा जमा करा दिया। सोशल साइट का सहारा जमाकर्ताओं ग्रुप की भड़ास। यह ग्रुप सहारा से परेशान उन लोगों ने बनाया है जिनका भुगतान समय पूरा होने के बाद भी सहारा द्वारा नहीं किया जा गया है। लालची एजेंटों द्वारा दबाव बनाया जा रहा है इस पैसे को आगे 3-5 साल के लिए बढ़ा दिया जाए। अपने ही पैसे के लिए लोगों को चक्कर काटने पड़ रहे हैं, लेकिन इस अधिकारी और एजेंटों को इन सब से कोई मतलब नहीं है। वह सिर्फ अपनी कमीशन सेट करने में लगे हैं। एजेंट कंपनी की गुलामी कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि इनका विरोध किया जाए, अपना भुगतान सुनिश्चित किया जाए। जी हाँ दोस्तों, ये इनका नारा है कि इनका विरोध किया जाए और अपना भुगतान सुनिश्चित किया जाए। जितने भी जमाकर्ता हैं उन सभी की पाई पाई रकम देंगे। हर माह में करीब 10 लाख रुपये 100 से 150 लोगों को दिए गए हैं। ब्याज के साथ लोगों का पैसा लौटाया जाएगा। लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। संजय त्यागी, रीजनल मैनेजर सारा फाइनेंस कंपनी। जी हाँ दोस्तों, ये उन्हें एक आश्वासन दिया गया है और इसमें बताया गया है कि कितना पैसा निवेशकों को दिया जा रहा है और कितने निवेशकों को दिया गया है। ये सारी डिटेल इन्होंने यहाँ पर बताई है। इससे साफ जाहिर है कि इस तरीके से अगर पैसा देंगे तो कई साल तक भी नहीं निपटेगा, क्योंकि करोड़ों निवेशक इसमें लगे हुए हैं और एक महीने में 10 लाख रुपया देने का मतलब है न जाने कितने वर्षों तक लोगों को अपने पैसों के लिए चक्कर काटना पड़े। यहाँ तक कि सेवा विभाग और सरकारी विभाग सब ने पैसा अपने पल्ले झाड़ लिए हैं और सारा सुब्रोतरा एम्बार्गो का बहाना बनाकर निवेशकों को गुमराह कर रहा है। दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको इस न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। खबर पसंद आए तो चैनल को